वेलकम बैक डिस्ट्रीब्यूटेड बिट्स एंड एम आशुतोष। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन है कि क्या आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने का क्या मतलब है, क्या कर्तव्य है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में दो स्टूडेंट मेरे काफ़ी डिबेट खेल रहे थे, तो मैंने सोचा आप पूछ लें। तो अगर आपको चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी आपका सेकेंड ईयर, अभी आप एग्ज़ाम मूड में हो, अगर मैं वो वीडियो को अपलोड करता हूँ तो फिर आप थर्ड ईयर के लिए मोटिवेट हो पाओगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने सेकेंड ईयर में क्या क्या गलतियाँ की हैं, वो आप थर्ड ईयर में रिपीट ना करो। बेसिकली यही फ़ायदा होगा अगर मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूँ तो लेकिन तभी करूँगा जब इस वीडियो में कम से कम नहीं तो 10 से 20 कमेंट आएंगे, हाँ सर मुझे वो वीडियो चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कि क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो प्राइड एंड प्रेजिडिस के जो क्वेश्चंस दिए हैं कम्युनिटी पेज पे वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया नहीं है और लाइन बाय लाइन उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि प्राइड एंड प्रेजिडिस में चैप्टर्स कितने हैं, यही नहीं पता भैया। 61 चैप्टर्स हैं प्राइड एंड प्रेजिडिस में, ठीक है, 61 चैप्टर्स हैं। तो यही बहुत, और उसका जो पहला चैप्टर है उसकी पहली की जो ढाई लाइन है वो बहुत मेन है, पहले चैप्टर की पहली ढाई लाइन बहुत मेन है, फिलोसफिकल लाइन है वो, आदमियों के ऊपर लिखा है जेन ऑस्टिन ने। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत हर इस, ये पूरा दो महीना कवर करेगा आप लाइन बाय लाइन लेके चलोगे तो ये आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करें आप। अभी तो ये तो एक ही फिक्शन है, अभी तो आपके पास क्रिसमस कैरोल है, फार फ्रॉम मेडलिन क्रॉस इससे ज़्यादा बड़ी है, और उसके बाद जो है ओथेलो भी है और शेक्सपियर टू कॉन्कर भी है, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं दिया, तो और गलत होंगे फिर। तो क्या करें आप, क्या करिए, YouTube का सहारा मत लीजिए, YouTube पे समरीज मिलेंगे, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, बच्चे समरीज देख करके आ रहे हैं और सोच रहे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन, ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या करें बाप, आप क्या करिए, उस पर गूगल पे जाइए, सर्च करिए वेबसाइट पे समरी वाइज, चैप्टर वाइज समरी। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला काम है, दो काम बताएंगे हम, ये पहला काम है। आप जिस बुक की तैयारी करने जा रहे हो, जैसे मैंने ले लिया प्राइड एंड प्रेजिडिस, उसमें 61 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है कि जो वेबसाइट हो वो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 5 का एक साथ दे दे समरी, वो फिर भी ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज समरी पे जाइए, ना कि कोई समरी की वीडियो देखिए, लॉस होगा आपका, फिर जो है एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो फिर अफसोस करोगे। ठीक है, इस मौके का फ़ायदा उठाना है, अफसोस का नहीं, एमसीक्यू पेपर का। ठीक है, तो चैप्टर वाइज समरी आपको पढ़नी है, पहला काम ये करिए जिस बुक को आपने उठाया। अब दूसरा काम क्या करना है, उसी बुक का आपको क्या करना है, पिक्चर वाइज जो है आपको नोट्स बनाने हैं। आपको पता है पिक्चर वाइज नोट कहते किसको कहते हैं, या फिर पाई चार्ट नोट किसको कहते हैं। देखिए, मेरे पास अगर मेरी स्टूडेंट ने मुझे एक भेजा हुआ था, अगर मुझे मेरे पास मोबाइल में होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँगा स्क्रीन पे, उसे पिक्चर वाइज नोट्स कहते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को एक किसी बॉक्स में रखना, ठीक है, ये आपका पूरा पेज है, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, ये पेज है, तो इस तरह करके जो 4 से 5, 6 से 7 उसको जो है ऐसे सर्किल में क्लाउडिंग करना, ठीक है, उसको क्लाउडिंग नोट्स कहते हैं, इसे क्लाउडिंग नोट्स भी कहा जाता है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, जब किसी चीज़ को हम सर्कुलर करते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, साइंटिफिक है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी समझिए। तो आपको फिर इसकी तरह क्या करना है, थोड़ा नोट वर्क करना है, 1 से 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा आपका ये। जब ये दो काम आप कर लोगे फिर आपका वो पर्टिकुलर फिक्शन या पर्टिकुलर वो वर्क या प्ले तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा, फिर आप उसके बाद एमसीक्यू पे वापस आ सकते हैं। और दूसरा काम क्या करना है, आपको कम्युनिटी पेज पे जो भी एमसीक्यूज मैं दे रहा हूँ जिसमें बीए थर्ड ईयर लिखा है उसको आप छुइए भी मत, देख लीजिए अगर दिख गया हो तो कि छुइए मत, ताकि मुझे पता चले कितने बीए थर्ड ईयर वाले उसको सॉल्व करें, ज़्यादा लोग सॉल्व नहीं करें उसको हम हटा देंगे भी नहीं, और आपके जो भी लोग हैं बी एच सेकेंड ईयर वाले वो ज़्यादा उसको सॉल्व करें और देखें क्या क्या क्वेश्चन से कौन कौन से गलत हो रहे हैं, ताकि आप जाके उसको प्रिपरेशन करें। एमसीक्यूज मत तैयार करिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एमसीक्यूज आर जस्ट फॉर टू चेक योर नॉलेज स्टेटस, ठीक है, उसको तैयार मत करिए, आप थ्योरी तैयार करिए। जैसे मैंने ये बताया आपको, एक बार इसको कवर कर लिए 6 बुक को, फिर आप फॉर्म्स ऑफ ड्रामा या टाइप्स ऑफ नॉवल में आइएगा, फिर ये सेकंड काम होगा, थर्ड काम आपका फिर शॉर्ट स्टोरी होगा, समझ में आ रहा है। सबसे पहला आप प्रियोरिटी आपकी क्या है, 6 बुक को कंप्लीट करना, आम संदर्भ में इनकी जो पार्ट 18 है वो जल्दी आने वाली है, मेरे ख्याल से कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, अब शूट हो चुकी है वो।
तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको बुक कंप्लीट करनी है, बिकॉज बुक सबसे ज़्यादा मार्क्स के वही आएंगे उससे। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, और अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए जो मैंने शुरुआत में बोला। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, टाटा।